लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अप्सरा किचन और बेल के बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज की जो रेसिपी है बहुत ही यम्मी और सबको बहुत पसंद है। अगर घर पे कोई मेहमान आते हैं या फैमिली फ्रेंड सर्कल कोई भी आते हैं तो घर पे हम डिनर या लंच के टाइम पे कुछ भी मीठा सा खाने को मन होता है तो क्यों ना आज हम केक बना के खाएं, वो भी एगलेस केक। और एगलेस केक सबको पसंद है तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, वो भी चॉकलेट केक। ना ही कुकर में ना ही ओवन में बनाएंगे, आज हम बनाएंगे कढ़ाई में और बहुत ही इजी तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरे वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर केक पसंद आए तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। देखते हैं कैसे बनाना है। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं यम्मी सा चॉकलेट केक, वो भी बिना अंडे के। तो सारे चीज मैंने ले लिए हैं और ये छन्नी की जरूरत है क्योंकि हम सारे ड्राइंग जितने भी हैं हम इसको छनेंगे। तो मैं पहले लूंगी इसी कप के मेजरमेंट से 1.5 कप मैदा, ये 1 कप है, और आधा कप। तो टोटल हमारे हो गए 1.5 कप मैदा। अब इसमें यूज करेंगे कोको पाउडर, जो केक में यूज होती है। ये डालेंगे करीब 3 चम्मच। कोको पाउडर 3 चम्मच हो गए। अब मैं डालूंगी, मेरे पास वनीला एसेंस नहीं है तो केक में ज्यादातर यूज होती है वनीला एसेंस, और मैं डालूंगी इसमें कॉफी पाउडर, ये नेस्कैफे है। तो ये मैं डालूंगी करीब 1/2 चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, वनीला एसेंस से भी फ्लेवर अच्छी आती है तो मैं इसी को यूज करूंगी, इससे फ्लेवर अच्छी आती है। तो 1/2 चम्मच नमक है, 2 चुटकी। बेकिंग सोडा मैं डालूंगी 3/4 चम्मच। और बेकिंग पाउडर डालूंगी 1 चम्मच। एक चम्मच बेकिंग पाउडर। और ये सारे ड्राई चीजें को मैंने सारे मिला लिया है। अब इसको अच्छे से हम एक छन्नी से अच्छे से छान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मैंने छान लिया है और इस तरह से कुछ निकल गया है इसमें से। अब इसको रखते हैं साइड, इसको रखते हैं साइड। अब मैं लूंगी 3/4 कप बटर, जो मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। और 1 कप लूंगी कंडेंस मिल्क। मेरी जो मेजरमेंट है सारे 1 ही कप के मेजरमेंट है। अब इसको थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से। ये मैंने कंडेंस मिल्क और बटर मिला लिया है। आप जितनी सूखी चीजें हैं मैं डाल लूंगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको मिला लेंगे। और जितने बचे हैं इसको भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने सारे मिला लिए हैं। आप सोच रहे होंगे इतना मोटा सा केक बनाएंगे, इतना थिक वाला, जी नहीं, हम इसमें मिल्क मिक्स करेंगे। तो मेरे पास नॉर्मल मिल्क है, 3/4 कप मिल्क है। इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब इसको मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मिला लिया है। ये फिर भी बहुत गाढ़ा है तो हमें थोड़ा सा पतला चाहिए। और ये दूध बची है, ये सारा दूध मैं यूज कर लूंगी इसमें। तो टोटल हमें 3/4 कप दूध यूज किया है।
अब इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। हमें इतने ही स्मूथ सा बैटर चाहिए, क्योंकि बैटर थोड़ा पतला होने से हमारा जो केक है थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा मॉइस्ट बनके तैयार होगा। ये देखिए, हार्ड नहीं बनेगा, सॉफ्ट सा केक बनके तैयार होगा। और इसको बनाने के बाद इसको बहुत अच्छे से बीट करनी ज़रूरत है। मैंने बहुत अच्छे से बीट किया, क्योंकि इसमें लम्स ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये मैंने काफ़ी अच्छे से बीट कर लिया है। अब उसको साइड रखते हैं। मैंने लिया है केक टिन, थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे इसको ग्रीस करने के लिए। ऐसे करके ग्रीस कर लिया। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो उसको निकाल दें। अब इसमें हम डाल देंगे अपना जो बैटर तैयार करके रखा है। ये हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे। ये हमने टैप कर लिया है। अब हमने जो कढ़ाई उठाई है 10 मिनट से गर्म होने के लिए, आप सीधा उसमें डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी गर्म हो चुका है, क्योंकि हमने फ्री हीट करने के लिए 10 मिनट से रखा हुआ था। तो इसमें मैंने डाला है करीब 1 कप नमक और अच्छे से फैला दिया है और एक स्टैंड रख दिया है। तो ये थोड़ा गहरा है, तो मैं इस तरह की स्टील की कटोरी रखूंगी, या फिर आप ऐसा कुछ स्टैंड रखिए थोड़ा ऊंचा रहे, तो मैं ये रखूंगी इसको बीच में। ये हमारा केक को रख दूंगी मैं सावधानी से। अब इसको हम ढक देंगे। केक को हम पकाएंगे करीब 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए पकाएंगे हम। एक बार 10 मिनट में एक बार चेक कर लेंगे इसको कि हमारा केक कैसा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 मिनट में कितना फूल के तैयार हो गया है हमारा केक है। ये ऑलमोस्ट मतलब रेडी है, पर इसको मैंने अभी हाई फ्लेम में रखा था, तो अभी मैं इसको नॉर्मल फ्लेम में रखूंगी करीब और 10 मिनट के लिए। तो टोटल 20 मिनट में हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। हमारा 20 मिनट हो चुके हैं केक को पकते हुए। मैंने गैस को बिल्कुल कम कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है केक बन के। गैस को ऑफ करते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए, आपका टूथपिक अगर ऐसा क्लीन आए या फिर चाकू अगर क्लीन आए, तो इसका मतलब आपका केक बनके तैयार है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर से हमें लेयर बनाएंगे, क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर से, मतलब हम इसको अच्छे से गनाश से लेयर बनाएंगे। तो इसके बाद का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा केक तो बनके तैयार हो गया है। अब जो हम केक में जो बीच में डालेंगे क्रीम, मतलब जो गनाश, चॉकलेट गनाश, तो हम चॉकलेट गनाश बनाना शुरू करते हैं। तो मैं लूंगी 1/2 कप बटर, लिया है मैंने। इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे पहले। बटर को तब तक हम इसको मिलाएंगे जब तक ये स्मूथ सा ना हो जाए। अगर आपके पास बीट करने वाला मशीन है वो भी अच्छा है, तो मैं तो हाथ से कर रही हूं, इजी। ये देखिए, ये मैंने सारे इसको मिला लिए हैं अच्छे से, और इसमें गांठ नहीं है। अब मैं डालूंगी करीब 2 कप शुगर। ये मैंने साबुत चीनी लेके अच्छे से, मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है, बिल्कुल मिनी पाउडर। अब इसको भी अच्छे से मिला लें। ये देखिए, ये हमने बटर और चीनी को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे कोको पाउडर।
करीब आधा कप, आधा कप है कोको पाउडर, ये भी डाल देते हैं। और एक चौथाई कप दूध, ये आपका ठंडा मिल्क है, बहुत ही फ्रिज में रखा था मैंने, तो ये ठंडा है। अब इसको मिला लेंगे। ये देखिए हमने जो चॉकलेट गनाश है उसको अच्छे से इसको फेंट लिया है और ये स्मूदी सा हो गया है। अभी ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो फिर से बीट करेंगे अच्छे से हाथ से, तो फिर हम केक का लेयर में लगाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केक तो हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं एक चाकू से मदद से, इसके किनारों को थोड़ा सा हम ऐसे घुमा लेंगे ताकि हमारा केक इजी से निकल जाए। इसे अब सब टेट लेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा सा टैप, ये हमने टैप कर लिया अच्छे से, इसको हल्के हाथ से निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त केक बनके तैयार हुआ है और ये कितना सॉफ्ट और देखने में लग रहा है कितना स्पंजी सा बना हुआ है। अब इसको इस प्लेट में हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर के जो लेयर है हम इसको काट देते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से गनाश लगाना है। ये देख रहे हैं आप, इसको देख के पता चल रहा है कि केक हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट बना हुआ है। अब इसके हम बीच में से 2 केक बनाएंगे, यहां से काट लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने काट लिया है, इसको हम क्या हाथों से उठा लेते हैं। ये देखिए अब इसको रखते हैं साइड। अब जो हमने गनाश बना के तैयार किया है चॉकलेट गनाश, इसको और एक बार हम बीट कर लेते हैं। ये गनाश मेरा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम ऊपर से स्प्रेड करेंगे, पहले ये नीचे वाला हिस्सा में करेंगे। देखिए ये हमने लगा लिया और हम इसको ऊपर से केक को रख लेंगे। अब जितना गनाश बचा है इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारा अच्छे से ग्नास चॉकलेट ग्नास लगा के तैयार कर लिया है। अब इसके जो साइड के जो हैं इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, तो इसको हम रखेंगे करीब 5 से 6 मिनट फ्रिज में रखेंगे, फिर हमारा केक सेट हो जाएगा। फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी ये कैसा बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रिज में रखी थी तो एक केक थोड़ा सेट हो चुका है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मस्त ये केक बनके तैयार हो गया हमारा, कितना सॉफ्ट है। ये देख पा रहे हैं आप अंदर कितना सॉफ्ट बना हुआ है और कितना मस्त आज का हमारा रेसिपी बिल्कुल तैयार है चॉकलेट केक। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस रेसिपी को, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।
और शेयर भी कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।